हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। हाँ, बहुत टाइम हो चुका हमको क्या करते हुए, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए, आज हम इस चैप्टर को, ये आइडेंटिटीज है, केवल एक बाकी है आपकी, उसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है। हम देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो थी हमारी, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 3, आज कौन सा है, पार्ट फोर, आज लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, हम उसको एक बार फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या था उससे रिलेटेड, इफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इक्वल 98, देन फाइंड x³ + 1/x³। अब देखिए, इससे पहले हमने a³ + b³ की कुछ हमने आइडेंटिटीज लर्न की थी, आपने a + b का होल क्यूब आइडेंटिटीज लर्न की थी। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि आइडेंटिटीज नहीं आती हैं, तो आप प्लीज लास्ट वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए, आपको मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, हाँ, यदि हमारे पास x + 1/x की वैल्यू निकल जाए, तो हम इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। बट हमको ये कैसे पता लगेगा कि सर कि x + 1/x की वैल्यू निकलेगी या x - 1/x की वैल्यू निकलेगी, तो वो चीज आपका क्वेश्चन सोल्व करेगा कि आपको क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, यहां पे क्या है, प्लस है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया दोस्तों प्लस से रिलेटेड, तो हमारा क्या काम आएगा, आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब 1/x, x + 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब इसमें x² + 1/x² की वैल्यू है, तो यहां से आपको एक चीज ध्यान में आई होगी कि हाँ, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, वो पढ़ी थी आपने, a + b² = a² + b² + 2ab। हाँ सर, हमने पढ़ी थी, तो हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। देखिए, यहां पे आप लिख सकते हो, हेयर a कौन सा आपका भाई, x + 1/x है या आपका क्या है। यहां से आप देखेंगे x + 1/x है, तो यहां पे x + 1/x इसका होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आपको ये वैल्यू पता है, इससे आपको इस पे जाना है, स्क्वायर से आपको क्यूब पे जाना है, तो आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a + b² तो a + b² हम ओपन करेंगे, क्या होता है, a² + b² + 2 * a * b, ठीक है दोस्तों। अब यहां से हम देखेंगे, हाँ, ये चीज जो हमारी x² + 1/x² है सर, ये तो हमको गिवन है, कितनी, 98, तो हम क्या लिखेंगे, 98, यहां से x से x कट हो जाएगा, कितना बचेगा, +2, मींस ये क्या हुआ आपका, 100 किसकी वैल्यू है ये दोस्तों, x + 1/x² बट हमको क्या चाहिए, x + 1/x, तो हम कैसे निकाल लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वेयर रूट हो जाएगा 100, तो आंसर कितना आएगा आपको पता है, +-10। मतलब आपको क्या पता लग गया है यहां से दोस्तों, x + 1/x की वैल्यू आपके सामने 10 आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना, अब तो हमारे लिए कुछ रहा ही नहीं, क्यों, ये आ गया, अब आपको आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी लगेगी। अब देखिए, x + 1/x है, x³ + 1/x³ चाहिए आपको। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a³ + b³, वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमने पढ़ी है, a + b, a² + b² - ab, ठीक है। अब यहां पे a कितना है, यहां पे देखेंगे हम, a कितना है, यहां पे हम लिखेंगे a = x, b = 1/x, देन हम इसको सोल्व करेंगे, a³ + 1/x³, हाँ, यही तो चीज हमको निकालनी थी, ये चीज निकालनी आपको इजीली पता लग जाएगा। अब देखिए, यहां पे a कितना, चल लो हम इसको एक मिनट के लिए लिख देते हैं, x² + 1/x² - x * 1/x,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। यहां से आपको देखिए सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन खत्म ही हो चुका। कैसे खत्म हो चुका है? देखिए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल है सर, ये रिटर्न x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। हाँ सर, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, x ये इससे तो x से x कट ही हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको हम रब करते हैं कैसे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, अब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपने देखी थी अभी, निकाल ली थी हमने, वो कितनी थी दोस्तों, वो थी हमारे पास 10। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने गिवन है 98, अब ये कितना हो जाएगा माइनस वन। अब आपको सोल्व करना 10, ये कितना हो जाएगा 97, 97 इंटू 10 970, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अब हमने देखा आपको यदि स्क्वेयर गिवन है, स्क्वेयर से आपको क्यूब पे जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है यदि हमको एक्स, सपोज यहां पे देखिए, यहां पे मैं कहता नेगेटिव होता, यदि क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज करता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, यदि यहां पे नेगेटिव होता तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, अब यहां से वैल्यू निकलती एक्स माइनस वन बाई एक्स की, तो हम आइडेंटिटी कौन सी लगाते, अब यहां पे ए प्लस बी है तो यहां पे आइडेंटिटी क्या हो जाती है आपके सामने, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उससे आपको x माइनस 1 बाय x की वैल्यू निकल जाती है और उसके बाद आपको यूजिंग आइडेंटिटी करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक क्वेश्चन में आपकी टू आइडेंटिटीज ओपन हो रही है। ठीक है, तो देखिए हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आज अपनी जो लास्ट आइडेंटिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, If 2x plus 3y equal 13, xy equal 16, then find, क्या आपके सामने 8x cube plus 27y cube। अब देखिए आपको यह क्वेश्चन करना है, अब यह क्वेश्चन किस तरीके से होगा दोस्तों ध्यान से देखेंगे। हाँ, अब आपके सामने देखा आपने, हाँ भाई आपके सामने ये चीज गीवन है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन से हमको क्या पता लगेगा कि क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे हमको इसको काम में लाना है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखेंगे ध्यान से। यहां पे देखा क्यूब है, यहां पे क्यूब है, तो हमने अभी तक क्यूब की टू आइडेंटिटीज पढ़ी है, कौन सी, एक तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, हाँ यहां पे माइनस, दोनों में माइनस भी है, ठीक है, हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी है। अब देखेंगे इसमें ये अप्लाई होती है, ये अप्लाई होती है, तो ध्यान से देखेंगे क्या है, हम क्वेश्चन देखेंगे, भाई देखिए यहां 2x प्लस 3y आपके सामने गिवन 13 है, यदि मैं यहां इसका क्यूब करता हूं 2x का क्यूब, तो भाई 8x क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा, तो मींस हां भाई क्यूबिंग करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे यदि हम इसका क्यूब करते हैं इस तरीके से, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी दोस्तों, आइडेंटिटी है आपके सामने ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। वो आइडेंटिटी क्या होती है आपको इजीली पता है, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। अब आपको क्या करना, सोल्व ही करना है इसको। अब हमने ये कहां से आया सर, ये कहां से, क्योंकि आपको गिवन है, ये क्या है 13 गिवन है, बट इसकी हेल्प से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे कैसे सोल्व करेंगे, क्या आइडेंटिटी, ए क्यूब, ए क्यूब मींस 2x क्यूब प्लस 3y होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए, कितना है ए आपके सामने, अब यहां पे देखिए आपको मेंशन कर सकते हैं आप, हियर हियर ए इक्वल 2x एंड बी इक्वल 3y, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, a की वैल्यू 2x है तो 2x पुट करेंगे, b की वैल्यू 3y पुट करेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, ठीक है, अब आपने कर दिया। अब देखिए हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम देखते हैं क्या चीज जो आपको निकालना है क्या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब देखिए इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, ओके, अब यहां पे देखेंगे क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 एक्स वाई और ब्रैकेट 2x प्लस 3y, ठीक है। अब ये चीज क्या, अब देखिए यहां से
आपको क्या निकालना है? सर मेरे हमको ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या चीज आपको गिवन है, 2x plus 3y गिवन है, हाँ सर 13 गिवन है, तो हम क्या करेंगे 13 क्यूब, क्यों? बिकॉज आप यहां पे रीजन क्या देंगे, बिकॉज 2x plus 3y equal 13 गिवन, ओके। अब देखिए ये आपको निकालना है, हम इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखिए xy मींस क्या आपको गिवन है कुछ, हाँ एक्स वाई की भी गिवन है वैल्यू, तो 18 इनटू ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहां पे 2x plus 3y फिर ये ही आ गया, क्योंकि जो सेम यहां पे था ये क्या हो जाएगा इनटू 13, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको ये चीज की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारी ये टर्म्स है इसको हम इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करते ही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या है वो चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाँ भाई 13 क्यूब क्या है, 18 इंटू 16 इंटू 13 करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके आपको आंसर बताना है। तो अभी तक देखिए आपने क्या है, ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने क्या देखा, माइंड में एक मिनट से पहले आएगा भाई 8 है वो तो 2 का क्यूब होता है, x x का क्यूब दिया हुआ है, 27 है वो 3 का क्यूब होता है, और y का क्यूब y दे रखा है, ठीक है। तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन कितने इजी हैं, बट इजी कैसे हैं उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा दोस्तों, आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आज हम अपनी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो चीज आपके सामने अभी देखते हैं क्या है, किस तरीके की आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आइडेंटिटीज देखिए, आज की हमारी लास्ट वन आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस, चलो हम ए से करते हैं क्योंकि आपको ए से हमने सारी आइडेंटिटीज करवाई हैं, प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब देखिए ये आइडेंटिटी है, हाँ सर इसमें तो ऐसा कुछ क्यूबिंग नहीं है। अब देखिए क्यूब की एक और नई आइडेंटिटीज है, लेकिन अभी तक जो हमने क्यूबिंग क्यूब की आइडेंटिटीज की थी उसमें कितने टर्म्स होती थी दोस्तों, टू टर्म्स होती थी, ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बट यहां पे देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आइडेंटिटी कैसे होती है ध्यान से देखेंगे, वो क्या होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपके सामने आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहां पे, देखिए इक्वल टू इक्वल्स का साइन है, इसके बाद ये क्या हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। आपको क्या करना है देखिए, क्या ये चीज इसके इक्वल है, अब देखिए मैंने ये चीज लिख दी, क्या ये पॉसिबल है कि जो चीज मैंने लिखी इसके इक्वल, इक्वल मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, एक पहले इसको एक्स से करेंगे फिर वाई से करेंगे फिर जेड से करेंगे, तो आपके सामने सेम आइडेंटिटी आ जाएगी, उसके बाद जो कट है वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी लास्ट आइडेंटिटी है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं, आइए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, फर्स्ट फाइंड प्रोडक्ट, फर्स्ट वन 3x प्लस 2y प्लस 2z, उसके बाद 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर माइनस 6xy माइनस 4yz और माइनस 6zx, दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे, अब देखिए आपके सामने कैसे, आपको ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, इसमें ये वाली आइडेंटिटी आपकी लगेगी कैसे, ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पे आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है 3x 2y 2z, तो आपने देखा भाई a b c, हम इसको अच्छा यहां पे कोई नहीं 3xyz लिख दिया, तो चलो हम इसको xyz से ही लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है। अब आपने देखा कि हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, इसकी आइडेंटिटी आपने बिल्कुल ओपन की है। तो यहां से हम देखेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपने देखा कि हाँ भाई इसमें थ्री टर्म्स है,
अब देखिए क्या है, आपको ये वन निकालना है, फर्स्ट वन निकालना है, सेकंड वन आपको गिवन है, ये आपको बताना है ये इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, आपको कैसे पता लगे ये आइडेंटिटी है भाई, एक फर्स्ट वन टर्म कितनी है आपके सामने 3x 2y 2z, उसके बाद आपने देखा हाँ भाई स्क्वायर वाली चीज जे में है, फिर माइनस भी है कुछ, तो हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे 3x + 2y + 2z। ओके, अब हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर यहां पे आप बता सकते हो हेयर a कितना है 3x, b कितना है आपके सामने 2y और c कितना है आपके सामने 2z। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पे है x स्क्वायर, मींस x स्क्वायर करना है आपको 3x होल स्क्वायर, हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, क्योंकि a आपके सामने क्या था 3। अब इसको देखेंगे, अब b कितना है आपका 2y, मींस 2y होल स्क्वायर, हाँ भाई 2y होल स्क्वायर 4y स्क्वायर होता है, प्लस ये कितना होगा 2z होल स्क्वायर। अब क्या था माइनस, अब क्या था xy, मींस a into b मींस 3x into 2y। अब देखिए क्या ये 9 6xy है माइनस, हाँ 3 into 2 6, x और y xy, अब माइनस क्या होगा yz, अब y कितना है 2y, ठीक है, z कितना आपके सामने 2z, हाँ भाई 4yz हो गया, माइनस कितना होगा zx, z कितना आपके सामने या c कितना आपके सामने 2z और ये कितना है 3x, ये आपने देखा। हाँ अब देखिए आपने ये आइडेंटिटी ओपन की है, क्या ओपन की हमने, कुछ किया कोई, कुछ अलग नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, ध्यान से देखेंगे भाई 9x स्क्वायर है, उसको आपने 3x स्क्वायर ही तो लिखा है और तो कुछ नहीं लिखा, हाँ ये लिख दिया ये लिख दिया। अब देखिए आपको आगे देखना है, अब आपको क्या है भाई, आपको इस फॉर्म में आंसर देना, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। अब क्या होगा, a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, a क्यूब मींस 3x क्यूब प्लस y क्यूब, y कितना 2y क्यूब प्लस z क्यूब 2z क्यूब। अब क्या होगा माइनस 3 एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड मीन्स ए बी सी, अब ए कितना है आपके सामने 3x, बी कितना है 2y और सी कितना है 2z। हाँ लेकिन एक चीज मैं बार बार कहता हूं दोस्तों आपको, साइन मैटर्स करते हैं हर जगह, मैथमेटिक्स में आपके साइंस हर जगह मैटर करते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां तो पॉजिटिव है तो आपने एज इट इज लिख दिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हो सकता है नेगेटिव साइंस हो, अब इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब। अब देखिए आपको ये सोल्व करके लिखना है, सोल्व करके क्या लिखेंगे, जो हमारे नंबर्स हैं हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो अल्फाबेट्स हैं हम अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 3 into 2 into 2, 3 into 3 9 9 into 2 18 18 into 2 36। ओके, अब क्या है x है y है z है, दिस इज योर आंसर। अब देखिए जो ये चीज हमारी आइडेंटिटी थी, इसका आंसर ये आ गया आपके सामने। अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है, क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए हम इससे नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं इसी चीज से रिलेटेड, क्या है, अब देखिए क्वेश्चन वही आएगा आपके सामने, फाइंड प्रोडक्ट, क्या है क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 4x - 3y + 2z, अब ये 16x² + 9y² + 4z² + 12xy + 6yz - 8zx, ठीक है, अब आपको ये सोल्व करना है। ओके, अब देखिए कितनी इजी से सोल्व होगा हमको। अब देखिए आपको मैं ये आइडेंटिटी दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि देखिए एक्स वाई से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट कंफ्यूज तो होना नहीं है, क्या है a³ + b³ + c³ - 3ab c इक्वल क्या होगा, आइडेंटिटी क्या है a² + b² + c² + ab क्या होता है -ab - bc और -ca, ठीक है। अब देखिए आपको यह करना है, अब
आइडेंटिटीज आपके सामने है, ठीक है, एक्स वाई से आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने एबीसी के फॉर्म में लिख दी। अब देखें, ये देखेंगे यहां पे, अब देखिए क्या है, आपको इजिली दिखाई दे रहा है कि भाई ये चीज आपको गिवन है और ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे ए, ए कितना है यहां पे, वेयर इज ए, एज 4x, बी कितना है, मैं बोलता हूं 3y, नहीं क्या दोस्तों, सर आप भी तो बोल रहे हो 3y और फिर मना भी कर रहे हो, नहीं क्या है, साइन मैटर, साइन यहां पे किस चीज का है दोस्तों, नेगेटिव, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -3y, ओके सर। अब यहां पे सी की वैल्यू कितनी है, 2z, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी ओपन करनी है, इजिली चुटकियों में सोल्व होगा क्वेश्चन, कैसे, ध्यान से। अब देखिए इसका भाई हमको इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा है हम उसको एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब यहां पे देखेंगे क्या होता है, ए स्क्वेयर, ए कितना, 4x, मींस 4x स्क्वेयर, ओके, प्लस बी स्क्वेयर, मैं लिखता हूं 3y स्क्वेयर, क्या मैंने सही लिखा है दोस्तों, नहीं, क्यों, देखिए दोबारा लिखते हैं, क्या है, अब मैंने लिखा भाई 4x होल स्क्वेयर, अब मैं क्या बोल रहा था आपके सामने, भाई मैंने लिख दिया 3y होल स्क्वेयर, दिस इज राइट और रॉन्ग, सर रॉन्ग है, ये अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई साइंस हर जगह मैटर्स करते हैं, बट यहां पे तो आपने 3y लिख दिया, बट बी तो हमारा कितना है दोस्तों, -3y, तो यहां पे हम लिखेंगे -3y स्क्वेयर, प्लस अब सी कितना है, 2z, तो 2z होल स्क्वेयर, ओके। अब देखेंगे, अब माइनस, हम माइनस का साइन आइडेंटिटी में ए बी, ए कितना है आपके सामने, कितना है 4x इंटू, अब बी कितना है, -3y, तो -3y लिखेंगे, ओके। अब ये होगी फर्स्ट वन आपकी माइनस, अब क्या होगा बी सी कितना है, बी कितना है आपके सामने, -3y है, और सी कितना है आपके सामने, 2z है, एज इट इज लिख देंगे। अब क्या होगा, फिर हम लिखेंगे सी ए माइनस, सी कितना है आपके सामने, 2z, और ए कितना है आपके सामने, 4x, ओके। अब आपको ये सोल्व करना है और आंसर फिनिश करते हैं। देखिए इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज आपको गिवन है, यहां से आपको ए बी सी की वैल्यू पता लगेगी। अब यहां से देखते हैं क्या ये चीज हमारे इसके इक्वल आती है, देखिए 4x स्क्वेयर हम इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस -3y होल स्क्वेयर प्लस 2z होल स्क्वेयर। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, क्या है 4 × 3 कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक है, एक्स वाई हो गया, बट यहां पे नेगेटिव क्या होते हैं, प्लस, तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। कैसे, ये चीज हमने जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले आपको वीडियोज में बताया गया है कि नेगेटिव प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइंस कैसे आपके चेंजेज होते हैं, तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देखें। अब ये कि 3 × 2 कितना हो गया, 6 yz, बट नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखेंगे यहां पे तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है सारे, 4 × 2 8, ये क्या हो जाएगा, zx, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, ओके। अब देखेंगे क्या ये जो हमने किया है ये इससे रिलेट है, देखेंगे भाई 12xy पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, 6yz पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, -8z नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab आइडेंटिटी आपको लगानी है, तो ए क्यूब कितना है 4x क्यूब प्लस कितना है बी क्यूब कितना है -3y होल क्यूब माइनस या प्लस प्लस 2z होल क्यूब -3 × ए कितना है आपके सामने ए 4x, बी कितना है साइन मैटर्स -3y ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये कितना है 2z। अब देखिए आपको सोल्व करना और आंसर फिनिश करते हैं जी, 4x, 4 का क्यूब कितना होता है 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 64x क्यूब, ओके। अब देखिए 3 का क्यूब आपको पता 27y क्यूब, बट साइन किसका आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं बोलता हूं नेगेटिव, क्यों आएगा ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, हाँ सर नेगेटिव आएगा, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव ही आएगा, आपको जिसको पता है नेगेटिव क्यों आएगा वो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, प्लस 2 का क्यूब 8z क्यूब, ओके। अब आपको क्या करना होता है,
अब हमको जो नंबर्स है नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई और जो अल्फाबेट है अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई। अब देखेंगे नंबर्स लिखेंगे 3 × 4 × −3 × 2। देखिए जो हमारे सामने साइंस है उसको भी हमने किया है। अब क्या करेंगे 4 × 3 = 12 × 3 = 36 −36 = 2 = 7 माइनस कितना हो जाएगा 72। तो ये आंसर कितना आया −72 XYZ। बट यहां देखिए यहां पे फिर नेगेटिव है यहां पे फिर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने प्लस। ठीक है तो आपका फाइनल आंसर क्या है, जब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आंसर क्या होगा 64X³ − 27Y³ + 8Z³ + 72XYZ। हाँ बट सर अब देखिए एक कंफ्यूजन हमारे सामने है। क्या कंफ्यूजन है सर? बट आइडेंटिटी जब हमने देखी थी ऊपर उसमें तो −3ABC था, बट यहां तो सर पॉजिटिव आ गया। सर ये चीज तो कुछ वही बात करते ना, हमको हजम नहीं हुई। क्यों हजम नहीं हुई? देखिए यहां पे क्या होता था भाई, ए बी और सी जो तीनों चीजें हैं वो क्या देता था, वो आपको पॉजिटिव देता था। बट यहां पे हाँ भाई एक चीज नेगेटिव दे दी, बट आपको पता जब दो नेगेटिव चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आंसर आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो यहां पे भी देखा भाई माइनस है, यहां पे माइनस है। यदि यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या है, अब देखिए इसको मैं रब करता हूं, फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। क्या करेंगे? हाँ सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे हम। ओके अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को फिर हम क्या करते हैं यहां पे खत्म करते हैं। अब देखिए क्या है, इसने लिखा 3ABC। ठीक है अब मैं यहां से कहता हूं आपको, ए तो आपको पॉजिटिव दे रखा है, बी आपको क्या दे रखा है, ये भी नेगेटिव है, और चलो हम मैं वैल्यू लिख लेते हैं उससे इजीली समझ में आ जाएगा। ए आपको दे रखा है 2, बी दे रखा है -3 और जो सी है वो दे रखा है आपको -2 ही लिखते। तो आपको ये बताना है जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है हाँ सर हमको पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट वन क्वेश्चन में आपको केवल बी नेगेटिव था। तो यहां से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 कितना हुआ 6 × 2 भाई 12 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 12। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, देखिए माइनस माइनस ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब यहां से इस आपने वैल्यू किसकी निकाल ली है 3ABC की, 3ABC की वैल्यू आपके सामने क्या निकली प्लस पॉजिटिव, बट यहां पे नेगेटिव तो −12ABC आ जाएगा आपके सामने आंसर। तो इजीली आपको क्लियर होगा यदि भाई तीनों ही नेगेटिव आ जाए तो, भाई तीनों नेगेटिव आ जाए तो ये आंसर किसका आएगा, अब ये आंसर −12 आ जाएगा। तो यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर किस चीज का आ जाएगा, +12ABC। ठीक है मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए लास्ट वन क्वेश्चन है आज और फिर ही हम वीडियो फिनिश करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए उससे आप वो आपसे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इफ X + Y + Z = 8 ओके एंड XY + YZ + ZX = 20 देन फाइंड A³ (X³) + Y³ + Z³ - 3XYZ। ओके अब देखिए अब आपसे क्या है क्वेश्चन, ये है देखिए सबसे पहले आपके सामने यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, अब देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा है तो हमारे मन में आता है हम एक मिनट उस क्वेश्चन को देखेंगे भाई कहना क्या चाहता है। ठीक है उसके बाद हम देखेंगे हाँ भाई इसमें ये आइडेंटिटी लग सकती है, इसमें ये आइडेंटिटी लग सकती है, उसके बाद हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है अब देखेंगे भाई X + Y + Z की वैल्यू 8 है, ठीक है गीवन है, इसकी भी गीवन है, आपको ये निकालनी है। हाँ बिल्कुल निकालनी है। अब इसको निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी पता है, हाँ भाई हमने ऊपर लिख रखी है बट एग्जाम में आपको देगा नहीं, आपको एक रफ साइड में हम लिख लेंगे भाई। यहां पे क्या है देखिए A² + B² + C² - AB - BC - CA इसकी वैल्यू। अब यहां से आपको क्या देखना पड़ेगा, यदि आपको A² + B² + C² की वैल्यू पता लग जाए और आपको इसकी वैल्यू पता लग जाए तो हमारा सर क्वेश्चन फिनिश।
बट यहां पे हम आइडेंटिटी देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आइडेंटिटी कहां से है। आइडेंटिटी तो होती है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अब वो क्या पढ़ी हुई है हम देखेंगे। समझ में आया? एक बार फिर दोबारा देखते हैं क्या है भाई आपके सामने, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, बट उससे पहले हम आइडेंटिटी पे चलते हैं। आइडेंटिटी पे देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है सर, ठीक है, बट ये कैसे निकलेगा? आपने इससे पहले क्या कोई आइडेंटिटी पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? अब देखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी? आपने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ क्या होता है, क्या क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? हाँ सर हमने पढ़ी हुई तो, पर ध्यान नहीं आ रहा है उससे, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, जब ये हम वीडियो खत्म होगी, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा दोस्तों। क्या है? आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ठीक, आप उसको एक साइड रखेंगे, एक साइड लिखेंगे। लिखने के बाद क्या होगा, हम उसको लर्न करेंगे कि भाई ये आइडेंटिटी यहां है, तो उसमें आपको पता लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हाँ सर बिल्कुल, यही आइडेंटिटी हमने लर्न की थी। हाँ सर आ गया याद, बिल्कुल। अब देखेंगे क्या चीज आपको गिवन है। अब देखिए यहां पे x प्लस, यहां पे a x प्लस y प्लस z भी लिख सकते हैं हम, ओके। अब यहां से गिवन क्या क्या चीजें हैं, एक चीज देखेंगे। आपको गिवन दे रखा है, हाँ भाई ये गिवन दे रखा है, नहीं ये तो आपको निकालना है, यही तो निकालना है। ये निकल गया तो हाँ भाई कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे हम इसको हम एजिटेज लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां देखिए टू, अब इसमें यहां पे देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है दोस्तों, यहां से हम एक चीज नोटिस करेंगे भाई, टू यहां पे भी है, टू यहां पे भी है और टू यहां पे भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से टू कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, तो अंदर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सर ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई, मैंने क्या किया, कुछ किया है दोस्तों? हाँ सर आपने तो डिफरेंट कुछ किया ही नहीं, क्या किया, ओनली टू क्या लिया, कॉमन लिया। ओके अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ भाई इसकी वैल्यू 8 गिवन है, हाँ भाई 8 स्क्वायर लिख देंगे। इसकी है नहीं, ये तो निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालनी है। क्या इसकी है, हाँ भाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की भी आपको गिवन है, वो कितनी है, ये आपको 20 गिवन है। हाँ सर बिल्कुल, ये चीज आपको गिवन दे रखी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ए कितना हो गया आपके सामने 64 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया आपके सामने 40। यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं कितना हो जाएगा 24 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीज आपके सामने निकल के आ गई, हाँ सर आ गई, ओके। अब हमको हमारा काम क्या रह गया, अब हमारा काम है ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकालनी। वैल्यू निकली, आंसर खत्म हुआ, ओके। अब देखते हैं, अब ये कैसे कहां से निकलेगी, ये तो सर इसी आइडेंटिटी से निकलेगी। अब इस आइडेंटिटी को हम कैसे करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, अब हम इसको आइडेंटिटी को ओपन कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये आइडेंटिटी लिखेंगे, पूरी आइडेंटिटी हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, जो हमने ऊपर वाली ये है, ठीक है, इसको लिखेंगे इक्वल। अब देखिए चलो हम पूरी लिख देते हैं, ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब ही लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ सर लिख दी। अब क्या रह गया, अब क्या कोई चीज है आपके सामने जो चीज आपको नहीं पता? सर हमको तो अब सारी चीजें पता है, कैसे क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, बट आपको तो गिवन है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू, बट यहां तो सर नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है। अब देखिए तीनों में नेगेटिव है, जैसे हमने यहां से टू ओपन टू कॉमन लिया था, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां से भी नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, यहां पे कैसे होगा, अब हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी, अब देखिए मैं मार्क करता हूं, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव और यहां पे भी नेगेटिव है, तो क्यों ना हम नेगेटिव को ओपन माइनस क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते ही अंदर क्या होगा, अंदर भाई ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। हाँ सर, अब तो प्लस की हो गई, प्लस की हो गई, तो क्या है, अब देखिए क्या की क्या क्या चीजें आपको गिवन है भाई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, क्या ये चीज गिवन है? हाँ सर, आपको गिवन है, ए स्क्वेयर वाली कितनी है, ये आपको 24 गिवन है, ठीक है सर। अब ये देखिए ये क्या होगा, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू है गिवन कहीं, हाँ सर ये रे, ये कितना है, ये आपको 20 है, हाँ सर 20 हो गया। अब क्या है, अब क्या करेंगे, अब इसका आंसर क्या होगा, 4, ओके सर निकल गया। बट अब हम आगे करेंगे क्या दोस्तों, आगे क्या करेंगे, अब आपको क्या है, अब ये आइडेंटिटी ओपन करनी है, इसका आपको आंसर निकालना है, आपके सामने ये तो निकल गया, अब ये निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे सोल्व, और आगे क्या ये चीज यहां पे फिनिश हो गई, नहीं सर क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी देखिए क्या है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये चीज गिवन है आपको, ये सारी चीजें गिवन है, तो हम यदि हम इसको ओपन करेंगे तो ये चीज आने के बाद इसका आंसर क्या होगा, 8 × 4 कितना आंसर हो जाएगा आपके सामने, 32, देन 32 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे हमने सर कुछ नहीं किया, यहां पे आपने देखा भाई क्वेश्चन ये निकालना है, क्वेश्चन निकालना है तो हमको करना क्या क्या चीजें हैं, करेंगे क्या भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कैसे निकलेगी, वो सर एक अलग आइडेंटिटी से निकलेगी, उसके बाद हमने ये निकाल ली, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या केवल डायरेक्ट हम इसको पुट कर देंगे, अब वैल्यू ही तो निकालनी है, अब आपने वैल्यू निकाल लिया, आपके सामने ये आंसर है, आपके सामने ये आंसर है, तो फिर आपने डायरेक्ट क्या किया, 8 × 4 = 32। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आज हमने जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, चैप्टर सेकंड कौन सी क्लास, 9th क्लास, वो आज आपका क्या होता है, फिनिश होता है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने जो समय लगाया है, जो हमने टाइम दिया, उसमें आपने देखा होगा हमने एनसीईआरटी से भी कुछ अलग क्वेश्चंस किए हैं, फिर भी यदि आपकी एनसीईआरटीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज में, तो हम क्या करेंगे, हाँ सर आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन फॉर दिस इज दिस, ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।